खत्म हुआ तू तू मैं अब इस फिल्म पर काम करेंगे कार्तिक आर्यन और करण जौहर। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से कार्तिक और करण के बीच चली आ रही कोल्ड वॉर अब खत्म हो गई है। करण जौहर ने कार्तिक के बर्थडे पर उनको जबरदस्त गिफ्ट दे डाली है, क्योंकि करण जौहर ने कार्तिक के साथ अपने फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। तो कैसी होगी फिल्म की कहानी, क्या होगा इसका टाइटल और कब से फिल्म जाएगी फ्लोर पर और किस दिन थिएटर में फिल्म को किया जाएगा रिलीज, आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब को इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, ऐसा लगता है कि करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म कर दिया है, क्योंकि आज 22 नवंबर को कार्तिक आर्यन के 33वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान हो गया है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर कार्तिक आर्यन की मुख्य भूमिका वाली एक नई फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म मेकर का धर्मा प्रोडक्शन एकता कपूर की बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ इस अनटाइटल्ड फिल्म का को प्रोडक्शन करेगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट जो 15 अगस्त 2025 को रिलीज के लिए तय है और इसका डायरेक्शन संदीप मोदी द्वारा किया जा रहा है। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर एक टेक्स्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा था, धर्मा प्रोडक्शन और बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड प्रेजेंट करते हैं कार्तिक आर्यन स्टारर धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म, संदीप मोदी द्वारा डायरेक्टेड, हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता, शोभा कपूर, एकता आर कपूर द्वारा निर्मित 15 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में। कार्तिक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए केजो ने आगे लिखा, कार्तिक आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, उम्मीद है कि हमारा सहयोग यहां से और मजबूत होता जाएगा और बड़े पर्दे पर जादू पैदा करने का भी बंद नहीं होगा। एकता कपूर, आपका दोस्त होना आसानी से सबसे अच्छी बात है और अब आपके साथ काम करना कोई अलग बात नहीं होगी। इसके बाद कार्तिक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, हमारे ग्लोरियस भारतीय इतिहास का वीरता और बलिदान से भरा एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर अब मेरे जीवन का हिस्सा बनने जा रहा है, ये विषय मेरे दिल के करीब है। बेहद टैलेंटेड @संदीप मोदी के साथ एक नई जर्नी शुरू करने के लिए बेहद प्राउड और एक्साइटेड हूँ। और पावर हाउस करण जौहर और एकता कपूर, फायर। कुल मिलाकर करण जौहर और कार्तिक आर्यन ने साफ कर दिया है कि दोनों के बीच जो भी कुछ लफड़े थे वो खत्म हो गए हैं और वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वो एक फुल देशभक्ति वाली फिल्म होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2021 में करण ने बताया था कि वे कुछ सीन्स की अनाउंसमेंट और कार्तिक के साथ शूटिंग के बाद दोस्ताना 2 को दोबारा बनाएंगे। वे कुछ प्रोफेशनल सर्कमस्टेंसेस के कारण दोबारा काम करेंगे। अफवाहें थी कि करण ने सेट पर मुख्य किरदार के कुछ अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण ये फैसला लिया था। इसी के बाद से दोनों में खटपट की खबरें आने लग गई थी, लेकिन अब इस अनाउंसमेंट के बाद से साफ हो गया है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।